जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, इस समय हम वृष लग्न में जो है चर्चा कर रहे थे, उस बार जो है हमारी चर्चाएं अधूरी रह गई थी। किसी कारणवश मुझे विश्राम लेना पड़ा था, उसके लिए जो है तो क्षमा चाहता हूं। हम चर्चा कर रहे थे सूर्य की स्थिति में, तो कह रहे थे कि सूर्य बुध की जो है यदि युति धन भाव में हो तो वह जातक को जो है धन धान्य से संपन्न करेगी। हां, धन संचय में जो है बाधाएं तो रहेंगी, धन संचय नहीं हो सकेगा, किंतु धन के धनाभाव की वजह से कोई कार्य अवरुद्ध हो जाए ऐसा भी नहीं होगा। हां, कौटुंबिक सुख से जो है हमें दूर रहना पड़ेगा, यह योग जो है हमें यह प्रदान करेगा। और सूर्य यदि लग्न में बैठे, यद्यपि जो है वह नीच का होगा लेकिन नीचांश से ऊपर हो तो वह राज पत्रिक अधिकारी जो है तो बना देगा, राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को जो है तो बढ़ाएगा, यश कीर्ति जो है हमें प्रदान करेगा। और यदि जो है वह नीचांश में होगा, अर्थात 10 अंश तक जो है तो सूर्य होगा, तो परेशानियां पैदा करेगा, अस्वस्थ करेगा, संकट प्रदान करेगा। और यदि जो है लग्न में कदाचित सूर्य चंद्र की युति हो, भाग्य भाव में राहु बैठा हो, तो यह योग आकस्मिक धन लाभ कराने में बहुत श्रेष्ठ भूमिका प्रदान करेगा। बहुत सुंदर जो है योग होगा ये। सूर्य बुध शनि चंद्र यदि इन चारों की युति हो जाए कहीं, तो ऐसा व्यक्ति जो है भाग्यशाली होता है, उसका भाग्य जो है सदा उसका साथ देगा, उसके भाग्य में कभी किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। किंतु सूर्य यदि लग्न में हो, जैसे मैंने पहले कहा है, और नीचांश में हो, तो साथ में वह पुत्रों की हानि भी करेगा, अर्थात पुत्र के द्वारा कष्ट प्रदान करेगा या पुत्र सुख प्राप्त नहीं होने देगा, पुत्र सुख में जो है तो बाधाएं उत्पन्न कर देगा। और यदि सूर्य मंगल शनि ये तीनों ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में हों, तो प्रबल योग राजयोग प्रदान करेंगी, सभी प्रकार का राजकीय सुख प्राप्त होगा। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा नैसर्गिक जो है चतुर्थ भाव का कारक है, और यदि यह चतुर्थ भाव में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को जो है राजनीतिक पटु बना देगा, अर्थात चतुर बनाएगा, बहुत चतुर होगा ये व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान होगा, और यह राजनीति में पूर्ण सफल होगा, सम्मान प्राप्त करेगा, मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है, तथा जो है तो राजदूत भी हो सकता है। लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो, और उस समय चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो यह चंद्रमा की दशा जो है उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होगी। इस दिशा में जो है उसे राज में मान प्रतिष्ठा सम्मान धन कीर्ति सर्व सुख जो है प्राप्त होंगे। लग्न में चंद्रमा छठे भाव या 12वें भाव में जो है तो गुरु हो, और उस समय जो है शनि की दशा हो, तो वह शनि की दशा जो है भाग्य वृद्धि करेगी, भाग्य योग को बढ़ा देगी। गुरु भाग्य भाव में हो
तो ऐसा जातक जो है साधु सन्यासी यतियों से जो है तो प्रेम करेगा, धार्मिक कार्यों में जो है उसकी रुचि बढ़ जाएगी और जीवन के जो है तृतीय अवस्था में उसे जो है वैराग्य प्राप्त होगा, अर्थात वैराग्य की ओर आकर्षण उसका जो है तो बढ़ जाएगा। गुरु इस लग्न वालों के लिए जितना जो है कमजोर हो, जितना पापक्रांत हो, जितना अस्त हो, उतना ही अच्छा है। तथा यदि यह गुरु अष्टम भाव में हो तो जातक को जो है तो धनवान बनाता है, और गुरु अष्टम में हो, नवम में शनि हो, तो यह योग जो है उच्च पदों में जो है तो हमें प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, मान सम्मान कीर्ति प्रदान करेगा, सभी प्रकार से जो है तो लाभ प्रदान करेगा। शुक्र त्रिकोण में हो, मंगल एकादश भाव में हो, तथा जो है धन भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक जो है अटूट संपत्ति का मालिक होगा और उसके जीवन में जो है तो कभी किसी तरह से कोई अमंगल नहीं आएगा, कोई अमंगल का सामना जो है उसे नहीं करना पड़ेगा। शनि तुला लग्न के लिए पूर्ण कारक है, और यदि यह पूर्ण कारक शनि कजातिथ लग्न में बैठ जाए अर्थात उच्च का हो जाए, तो ऐसा उच्च का शनि जो है राज राजेश्वर योग प्रदान करेगा। राजनीति का ऐसा व्यक्ति जो है सफल संचालक होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, धन धान्य मान प्रतिष्ठा यश तथा जो है संपूर्ण ऐश्वर्य जीवन में प्राप्त होंगे, जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। चतुर्थ भाव में यदि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए या शनि की मूल त्रिकोण राशि पंचम में है, तो यदि शनि जो है मूल त्रिकोण राशि में पंचम में बैठे या अपनी स्वराशि में मकर में बैठ जाए, तो ऐसा शनि जो है तो धनदायक होगा, और केंद्र में बैठा हुआ पापक ग्रह अतीव कारक हो जाएगा, त्रिकोण में तो कुछ कमजोर हो जाएगा किंतु केंद्र में यदि पापक ग्रह बैठता है तो अतीव धन कारक हो जाएगा। शनि जिस किसी भाव में बैठेगा इस लग्न वालों का, उस भाव की जो है तो वह वृद्धि ही करेगा, चाहे भले ही जो है वह रोग भाव हो, अरिष्ट भाव हो, अगर रोग भाव में बैठेगा तो रोग की वृद्धि करेगा। हाँ, शत्रुओं का समन जरूर करेगा, शत्रु उत्पन्न होंगे और समन भी होंगे, और यदि अरिष्ट भाव में बैठता है, अष्टम में बैठता है, तो वह अरिष्ट भी प्रदान करेगा, तो यह भी हमें जो है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और, लग्न में शनि हो, सूर्य सप्तम में हो, दशम में चंद्रमा हो, तो यह योग प्रबल राजयोग कारक है, या लग्न में शनि हो, चंद्रगुरु दशम में हो, तो यह भी योग कारक है, लग्न में शनि हो, चतुर्थ में मंगल हो, दशम में चंद्रमा हो, तो यह भी योग कारक है, लग्न में शनि हो, दशम में चंद्रमा हो, तो यह भी योग कारक है। अर्थात इन योगों में से कोई भी योग यदि हमारी जन्मपत्री में प्राप्त हो जाए तो ऐसा जातक जो है धन धान्य आदि से जो है संपन्न होगा और जीवन में जो है सब कुछ प्राप्त करेगा, बस आवश्यकता होगी पूर्ण पराक्रम की, पूर्ण परिश्रम की, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना पराक्रम के हमें जो है तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें उद्यम तो करना ही पड़ेगा। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः नहि सुप्तः सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बिना उद्यम के कार्य और मनोरथ की सिद्धि नहीं हो सकती है। मान लीजिए आपका भाग्य बहुत प्रबल है और किसी ने जो है तो ग्रास उठा करके आपके मुख में जो है तो दे दिया,
लेकिन अंदर लेने के लिए दांतों से चबाना पड़ेगा, जीव तालु के माध्यम से जो है उसे घुटकना पड़ेगा, तभी जो है तो क्षुधा की तृप्ति हो सकेगी। तो कुछ ना कुछ कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कितना भी प्रबल भाग्य क्यों ना हो। तो यह तो ग्रहों की स्थिति रही, लेकिन आपको कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। जब आप कर्मनिष्ठ होंगे, क्योंकि तुला लग्न जो भोग लग्न होती है, तुला लग्न वाला जो है तो भोग भोगने आता है, ऐश्वर्य भोगने आता है, कुछ आलसी भी होता है, प्रमादी भी होता है, लेकिन जिस कार्य में जुट जाता है उस कार्य को जो है सफल करके छोड़ता है। इसलिए जो है मैंने इतनी सब बातें जो है तो आज बोली है। तो आपको जो है कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। तुला लग्न में एक कमी भी है कि यदि तुला लग्न में कदाचित लग्न में चंद्रमा हो, केंद्र में स्थित मंगल चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाले और शनि व्यय भाव में हो, तो यह स्थिति जो अगर लग्न में हमें प्राप्त होगी, यह हमारे लग्न की जो शुभता है, जो शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन शुभ योगों को जो है तो भंग कर देगी। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यह योग जो है तो राजयोग भंग करने वाला होगा, राजयोग को जो है तो भंग करने वाला होगा। ऐसे जातक के जीवन में दीनता, विपन्नता, निर्धनता तथा जो है चिंतातुरता, चिंता से जो है तो दुखी रहेगा। तो इसी बात के साथ में मित्रों, मैं अपनी वाणी को जो है तो विश्राम कर रहा हूं, किंतु एक बात का जो है तो बहुत खेद है कि आप लोग जो है कुंडली देखते तो हैं, वीडियो देखते तो हैं, किंतु जो है सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अरे भाई, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जब कभी भी किसी भी विषय में बोलता हूं तो वह आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि कदाचित आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जिस किसी विषय में भी बोलूंगा वह आपको जो है आसानी से प्राप्त होगा। जैसे अभी जो है ये द्वादश लग्नों का विषय जो है संपादित हो, तो मैं बहुत शीघ्र जो है इस विषय में बोलने जाने वाला हूं कि जो है व्यक्ति की बच्चा या बच्ची की शादी किस अवस्था में और किस ग्रह की दशा अंतर दशा में कब कैसे होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, तथा जो है उसको जीविका, उसको नौकरी किस आयु में, किस स्थिति में कहां प्राप्त होगी, इस विषय में जो है तो बहुत शीघ्र जो है तो मैं बोलने जाने वाला। तो यह सब बातें आपको आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए जो है परम आवश्यक है कि आप हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम।